प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जीवन में बनाने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर किसान लामबंद हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों किसान एकत्र होकर यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। ग्रेटर नोएडा के जीवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है, साथ ही जमीन अधिग्रहण का विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध की इसी कड़ी में सैकड़ों किसान यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की है। किसानों का कहना है कि जिस जगह पर किसानों को जमीन अधिग्रहण करने के बाद स्थापित करने का काम किया जा रहा है, वो जमीन किसानों को बर्बाद कर देगी। किसानों का कहना है कि उन्हें जिबर के पास स्थानांतरित किया जाना चाहिए, साथ ही उन्हें मिलने वाले मुआवजे को भी उचित मिलना चाहिए। लखनऊ से ताहिर सैफी की रिपोर्ट। यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारा जो पूर्वजों का जो गांव है उसे वो फलेदागढ़ पे बसा रहे हैं और हमें फलेदागढ़ बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं। हमने जब अपनी जमीन दे दी तुम लोगों को जमीन दे दी, अब हम अपना घर देने के पूर्वजों का घर देने के लिए हम तुम लोगों को तैयार हैं। क्या तुम हम लोगों की एक मांग भी पूरी कर सकते हो? हमारा गांव नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में विस्थापन हो रहा है, जिसमें विस्थापन को लेके काफ़ी तनाव और बवाल हो रहा है। ये जो आवाम यहाँ बैठी है, आपने देखा है कि ये करीब 90% लोग हैं हमारे गांव में, हर कास्ट, हर, क्योंकि हमारा जो गांव है, हर गांव में कास्ट होती है, हर धर्म समुदाय का लोग, और सभी एक ही मांग है कि जेवर के पास जो मांडल प्लेस है वहाँ हमारा विस्थापन किया जाए। मुख्य मांग हमारी विस्थापन की है, जो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, विस्थापन फलेदागढ़ में किया जा रहा है, जो बहुत ही गंदी और बहुत ही गलत जगह है, जहाँ 40 फीट रहती है। हम केवल मांडरपुर के आसपास पूर्व या पश्चिम में मांग रहे हैं।